मनी प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसको हम हमारे घर में लगाएं तो बहुत ही खूबसूरत ये दिखता है। और इसके ना बहुत सी वैरायटी होते हैं, मार्बल मनी प्लांट होता है, गोल्डन मनी प्लांट होता है और देसी वैरायटी का भी मनी प्लांट होता है। तो मेरे पास दो टाइप का मनी प्लांट है, एक है मार्बल मनी प्लांट है और दूसरा है देसी वैरायटी का मनी प्लांट है मेरे पास। और ये फ्रेंड्स इसी तरह से पानी में हम ग्रो करके हम इंडोर भी रख सकते हैं इसे, और ये बहुत ही अच्छा दिखता है। इंडोर भी हम अगर रखेंगे ना हमारे घर में थोड़ा सा ग्रीनरी लुक आ जाता है। और अगर हम इंडोर हम रखना चाहते हैं मनी प्लांट को, थोड़ा सा सनलाइट तो देना पड़ेगा और थोड़ा सा अगर एयर वेंटिलेशन इसके पास हो रहा है तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करने वाला है फ्रेंड्स। और इसके टाइम के इंटरवल में ये आपको धूप में लाना चाहिए थोड़ी थोड़ी टाइम में। तो अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा धूप हम देते रहेंगे तो इसके इंडोर में भी बहुत अच्छा ये ग्रोथ करने वाला है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा थोड़ा लाइट आ रहा है, थोड़ा सा धूप आ रहा है, तो ये मनी प्लांट ना बहुत अच्छा ही ग्रोथ कर रहा है यहाँ पर मेरा। और आप भी इसी तरह से इसी टाइप का एक जगह में आप मनी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। मनी प्लांट को हम भूसी करके नीचे भी लगा सकते हैं और इसी तरह से हम हैंग भी कर सकते हैं। तो ये हैंगिंग प्लांट भी है और इसके ना बहुत सारे टोपियारी भी हम बना सकते हैं और कुछ नया लुक हम दे सकते हैं मनी प्लांट को। और इसके हम फर्टिलाइज़र के बारे में बात करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो देख लीजिएगा। इसके फर्टिलाइज़र तो नहीं चाहिए होता है, लेकिन इसके अगर हम पत्ते ग्रीनरी दिखना चाहते हैं, थोड़ा सा भूसी दिखना चाहते हैं और हेल्दी दिखना चाहते हैं तो इसके थोड़ा सा काउडंग या बर्मी कंपोस्ट आप मिला के उसे लगा सकते हैं मिट्टी के साथ। और इसको फ्रेंड्स डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी ना रखिए। डायरेक्ट सनलाइट में आप अगर रखेंगे ना इसके पत्ते गलना स्टार्ट हो जाएगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा और इसके मिट्टी भी एकदम सूख जाएगा ना, तो पत्ते एकदम ख़राब हो जाएगा प्लांट। बात फ्रेंड इसकी जो सड़ी गली पत्ते हैं इसी टाइप का देखिए, ये जो जल चुके हैं इसको हमें हटाना पड़ेगा। ये अगर हमारे प्लांट में रहेंगे ना तो ग्रोथ में रुकावट आ जाता है, तो इसी तरह का पत्ते हमको बाहर करना है। और इसे बाहर करने से फ्रेंड्स हमारे जो प्लांट है बहुत अच्छा ये दिखेगा, थोड़ा सा ग्रीनरी लुक आता है ना, तो मनी प्लांट बहुत अच्छा दिखता है। इसको भूसी करने के लिए फ्रेंड्स इसको हम टिप में कटिंग करना पड़ेगा। तो जितने हम टिप में कटिंग करते जाएंगे फ्रेंड्स, देखिए मैं किस तरह से कटिंग कर रही हूँ, तो इसके नया ब्रांचेस निकलते जाएंगे और ये बहुत जल्दी ये भूसी हो जाएगा। तो ज़रूर फ्रेंड्स ये काम कर लीजिए, थोड़ा सा इसके कटिंग करते जाएगा तो आपके भी प्लांट देख लीजिएगा बहुत जल्दी भूसी और बहुत हेल्दी होके ग्रो करेगा। तो मनी प्लांट्स फ्रेंड्स इंडोर भी है और आउटडोर भी है, लेकिन फुल सनलाइट में इसको मत रखिएगा। और ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत प्लांट है, तो ज़रूर आप नर्सरी से या कहीं पे कटिंग आपको अगर मिल जाए तो ये लाइए। और कटिंग से तो ये बहुत अच्छी आसानी से चल जाता है, वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं ये। तो ये था मेरी आज की मनी प्लांट्स की टिप जो मैं अप्लाई करती हूँ। और अगर आपको फ्रेंड्स समझ अच्छा लगा मेरी ये टिप्स तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कोई सजेशन दीजिएगा अगर आपको नया पता है तो कमेंट के साथ। और चलती हूँ, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।